हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सीक्रेट लॉजिक। तो ये जो मैंने वेडिंग हेयर स्टाइल किया है, ये बहुत इजी है। इसे मैंने अपने मेकअप ट्यूटोरियल में शेयर किया है, तो आई होप कि आप सब ने उसको एंजॉय किया होगा। ये बनाना बहुत इजी है, बस आपको साइड से पार्टीशन करना है, पीछे से बालों को पफ बनाते हुए सिक्योर कर लेना है विद बॉबी पिंस एंड हाफ क्लचर, छोटे से क्लचर्स के साथ, और थोड़े से बालों को लट को आगे निकालना है और फुल बालों को एक साइड कर लेना है, और ये आपका वेडिंग हेयर स्टाइल रेडी हो गया। और ट्रस्ट मी गाइस, ये बहुत अच्छा लगता है इन दिस वेडिंग सीजन। तो चलिए, आज मैं आप सबके साथ रिव्यू करने वाली हूँ ओले नेचुरल वाइट की। ये वन ऑफ माई फेवरेट क्रीम है। आपने अगर मेरी पुरानी वीडियोज़ फॉलो की होंगी, देखी होंगी, तो मैं हमेशा अपने मेकअप ट्यूटोरियल में ये क्रीम यूज़ करती थी, विच इज़ वेरी नेचुरल लुक, बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करता है इसके, आपके मतलब बहुत सारे बेनिफिट एक साथ के आपको देता है। तो मैं आज आपको इसके बारे में बताती हूँ। और ये देखिए, मैंने इसको पूरा ख़त्म कर दिया। सिर्फ यही नहीं, मैंने 2-3 ट्यूब्स ख़त्म कर चुकी हैं, क्योंकि मैं डेली मॉइस्चराइजर के बेस पे या ऑफिस जाते समय या कॉलेज जाते समय मैं इस क्रीम को अप्लाई करती थी। इंस्टेंट फेयरनेस देता है, फेस पे ग्लो ला देता है, एज अ सनस्क्रीन भी इसमें वर्क करता है। SPF है इसमें, UV प्रोटेक्शन, इंस्टेंट ग्लोइंग फेयरनेस। कितने SPF ये तो उसमें मेंशन नहीं है, बट हाँ, इसमें सनस्क्रीन ऐड है, और मॉइस्चराइज करता है स्किन को, और सबसे बड़ी चीज़ है ना कि स्किन पे ग्लो ले आता है, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और बाकी तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, एक्सटर्नल यूजेस ओनली। जो सबकी शेल्फ लाइफ है 3 ईयर्स, वही इसकी भी मिल जाती है। 40 ग्राम का प्रोडक्ट है और 189 इसका प्राइस है, तो बहुत ज़्यादा प्राइजी भी नहीं है, बजट फ्रेंडली है। अगर आप ऑफिस गोइंग या कॉलेज गोइंग कर रहे हैं और ऐसे किसी क्रीम की मतलब वेट कर रही हैं जो आपको मॉइस्चराइजर भी प्रोवाइड करे, यूवी प्रोटेक्शन भी दे, और साथ ही साथ स्किन पे एक ग्लो भी ले आए, तो आप इस क्रीम पे ज़रूर इन्वेस्ट कर सकती हैं, क्योंकि ये आपको फेयरनेस देगा, साथ ही कंसील भी करता है, थोड़ा सा आपके दाग धब्बे को हाइड कर देता है। बहुत ही नेचुरल सा, मैं बहुत ज़्यादा नहीं कह रही हूँ कि एकदम कंसील कर देता है, अगर आपके छोटे मोटे से स्पॉट्स हैं तो उसको ये कम्प्लीटली हाइड कर देता है, और एकदम इंस्टेंट ग्लो ले आता है फेस पे, और फेस को एकदम मतलब मॉइस्चराइज भी प्रोवाइड करता है, साथ ही यूवी प्रोटेक्शन भी। तो दिन के हिसाब से ये क्रीम मुझे लगता है वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है, विच इज़ गिव्स अ वेरी नेचुरल लुक। मैंने अपने नो मेकअप लुक में इस क्रीम के साथ उस मतलब वीडियो को शूट किया है, तो नो मेकअप लुक में मैंने सिर्फ इस क्रीम को अप्लाई किया और कोई मेकअप नहीं किया है, और सिंपल नेचुरल मेकअप लुक रेडी हो गया है। चलिए, मैं आपको अप्लाई करके आपके सामने दिखाती हूँ ये चीज़। तो पहले तो मैं फेस को जो मैंने मेकअप किया वो क्लीन कर लेती हूँ। तो इसके लिए मैंने पहले हिमालय की क्लिंजिंग मिल्क ले लिया है, ये बहुत ही हर्बल है, जो बहुत पसंद है, मैं इसी से अपना मेकअप जो है वो क्लीन करना प्रेफर करती हूँ। और फिर मैंने लिया है मेकअप वाइप, और इसकी हेल्प से मैं अपने मेकअप को रिमूव कर लूँगी कम्प्लीटली। ये देखिए, मेरा मेकअप ऑलमोस्ट रिमूव हो चुका है, साथ ही मैं एक और वाइप्स ले लेती हूँ, और इसकी हेल्प से मैं जो है अपने आई मेकअप को रिमूव कर लेती हूँ। बहुत ही अच्छा वाइप है, ये कारा का वाइप्स है, जिससे कि आप इजीली अपने मेकअप को रिमूव कर सकते हैं इंस्टेंटली, बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होगी आपको।
सो गाइस मैंने सिर्फ लिपस्टिक छोड़ी है और मैंने अपना सारा मेकअप रिमूव कर लिया है स्टारा वाइप्स की हेल्प से। और अच्छे से मेकअप रिमूव करने के बाद अब मैं आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ द क्रीम। और इसे आपको बहुत ज़्यादा नहीं लेना होता है। मैंने इसकी दूसरी लेनी है, अभी ख़त्म हो रखी है फ़िलहाल, मैं दूसरा यूज़ कर रही हूँ, लेकिन ये वन ऑफ द बेस्ट क्रीम है। मुझे सडनली ध्यान है कि मैंने तो अभी तक आपको इसका रिव्यू दिया ही नहीं, क्योंकि ये बहुत अच्छी क्रीम है। तो आई थॉट कि नहीं, मुझे बिल्कुल, देखिए मैंने सिर्फ इतनी क्वांटिटी ली है और डॉट डॉट करके ऑल ओवर फेस अप्लाई कर लेना है इस तरीके से। और ये बहुत ईजिली ब्लेंड हो जाता है, ये देखिए मैंने हाथ पे जो लगाया तो ईजिली ब्लेंड हो गया। मैं आपको फेस पे दिखाती हूँ किस तरीके से। तो पहले मैं इसको थोड़ा सा ड्रैग कर दूँगी ताकि ऑल ओवर मेरे चिक्स जहाँ पे मैंने नहीं अप्लाई किया वहाँ भी अप्लाई हो जाए अच्छे से। स्किन को मॉइस्चराइज़र भी प्रोवाइड करता है, साथ ही यूवी प्रोटेक्शन भी है। तो वन ऑफ द बेस्ट क्रीम है फॉर डे पर्पज़, स्पेशली फॉर ऑफिस गोइंग और कॉलेज गोइंग गर्ल्स के लिए बहुत अच्छा है। इंस्टेंट फेयरनेस प्रोवाइड करता है, स्किन को लाइटनिंग ब्राइटनिंग में ये काफ़ी हेल्प करता है। मतलब डेली पर्पज़ में आप चाहते हो स्किन लाइट दिखे, ब्राइट दिखे, तो ये क्रीम वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। तो ये देखिए मैंने कोई मेकअप नहीं किया हुआ है और मेरे फेस पे ग्लो देखिए। आपको क्लियरली रिजल्ट आ रहा होगा क्या इसने, मतलब मेरे फेस पे वैसे उतने कोई मार्क्स हैं नहीं, लेकिन जो छोटे मोटे से हैं उसको इसने थोड़ा बहुत तो हाइड किया है। और इंस्टेंट ग्लो देता है फेस पे, यूवी प्रोटेक्शन देता है। तो मुझे लगता है ये डे पर्पज़ के लिए वन ऑफ द बेस्ट क्रीम है और मैं हाईली रिकमेंड करूँगी। और बजट फ्रेंडली भी है, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है। तो आप सब इसको ज़रूर ट्राई करिए और मुझे अपना रिव्यू जो है कमेंट बॉक्स में शेयर करिए कि आपको कैसी लगी ये ओले नेचुरल वाइट क्रीम। लेकिन हाँ, मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप ऑफिस और कॉलेज से आने के बाद अपने फेस को ज़रूर क्लीन कर लें, क्योंकि कोई भी कॉस्मेटिक को उसमें कुछ ना कुछ केमिकल तो रहते ही हैं। तो आप अगर घर में रहते हो तो आपको कोई केमिकल अपने फेस पे अप्लाई नहीं करना चाहिए, सिंपल एक मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना चाहिए। वो आप एलोवेरा जेल की हेल्प से कर सकते हो या फिर कोई अच्छी ब्रांडेड जो आप सूट करती हो आपके स्किन टोन को वो अप्लाई करें बस, और कुछ भी अप्लाई ना करें। सनस्क्रीन दिन में अप्लाई कर लें, लेकिन शाम को आप अपना फेस कम्प्लीटली रिमूव करके मेकअप वाइप्स की हेल्प से या अच्छे फेस वॉश की हेल्प से फेस को क्लीन करके बिल्कुल हाइड्रेटेड रखें और कोई भी क्रीम अप्लाई ना करें। बट डे पर्पज़ के लिए हमें चाहिए होता है कि हम इवन टोन स्किन दिखे, ब्राइट दिखे और इंस्टेंटली दिखे, मतलब हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम बहुत सारी चीज़ें एक साथ अप्लाई करें। तो उसके लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। आई होप गाइज कि आपको मेरा ये रिव्यू पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। सो गाइज अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और मेरे चैनल पर पहली बार आया तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।